पांच से लगभग 10% आबादी पूरी दुनिया की या तो मधुमेह में जकड़ चुकी है या बॉर्डरलाइन पर है। जेनेटिक रीजन से डायबिटीज़ हो रही है, स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी और अनियंत्रित दिनचर्या और अनहेल्दी फूड के कारण से डायबिटीज एक महामारी की तरह ये बीमारी बढ़ रही है। समाधान क्या है? एलोपैथी की जो टैबलेट्स हैं, जो इंसुलिन हैं, उनसे डायबिटीज तो कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। करीब 2% लोग डायबिटीज़ के कारण से औसत रूप से अंधे हो जाते हैं। 10% लोगों को आंखों की कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है और करीब 80% लोगों को कोई ना कोई नेत्र रोग हो ही जाता है। रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, किडनी की प्रॉब्लम, करीब 30-35% लोगों की किडनी तो फेल ही हो जाती है। क्रिएटिनिन लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और अंततः किडनी फेलियर हो जाता है। न्यूरोपैथी, हाथों पैरों में शून्यता और बाद में गैंग्रीन तक हो जाता है। सेक्स और डिसऑर्डर से लेकर के पूरी बॉडी में वीकनेस, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है इंसान की और जीवन का सुख भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि व्यक्ति की स्वाधीनताएं, उसकी जो स्वतंत्रताएं हैं, उनके ऊपर अंकुश लग जाता है। खाने पीने से लेकर के एक भय भी आ जाता है। यदि डायबिटीज बहुत डाउन चली जाए तो भी मृत्यु का भय, और बहुत हाई हो जाए तो बॉडी के ऑर्गेन्स फेल होने का भय। ये बहुत ही खतरनाक है। दवाइयों से आप मधुमेह को तो नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन मधुमेह से होने वाले खतरनाक साइड इफेक्ट्स को और जो मधुमेह के कारण से आपके भीतर जो अनेक प्रकार की दुर्बलता आती है उसको आप दूर नहीं कर सकते। योग से डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को आप पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो। मेरा ये लाखों लोगों पर अनुभव है और करोड़ों लोगों ने जिन्होंने योग को अपनाया है उनका भी यही अनुभव है। विगत 20-25 वर्षों से मैं स्वयं इस बात को अनुभव कर रहा हूँ कि जो लोग 20-25 सालों से लगातार योगाभ्यास कर रहे हैं, उनकी एलोपैथी की दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं और उनका मधुमेह नियंत्रित है और किसी भी प्रकार के मधुमेह के साइड इफेक्ट्स, मधुमेह के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे पूरी तरह से मुक्त है। यद्यपि योग में बहुत सारी क्रियाएँ हैं, उसमें कम से कम 5 आसन और 5 प्राणायाम, इतने तो सभी मधुमेह के रोगियों को करने ही चाहिए। यदि कोई 5 आसन और 5 प्राणायाम, ये 10 नहीं कर पाता है तो कपालभाति 15-20 मिनट, अनुलोम विलोम 5-10 मिनट और मंडूकासन ये 5-15 बार अवश्य ही करना चाहिए। माने कपालभाति, अनुलोम विलोम और मंडूकासन, ये 3 योग की क्रियाएं, ये 3 तरह का योगाभ्यास भी यदि व्यक्ति करता रहे तो मधुमेह को 100% नियंत्रित कर सकता है। हाँ, 5 आसन और 5 प्राणायामों के अलावा जो समर्थ हैं वो सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग, दंड बैठक, चलना, घूमना, दौड़ना, तैरना और दूसरी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो तो लाभ करती ही करती हैं डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ के रोगियों को कोई भी लिक्विड मीठा नहीं लेना चाहिए, चाहे वो जूस हो, शरबत हो, और जितना हो सके आर्टिफिशियल शुगर से उनको बचना चाहिए। यदि
फल खाने हैं तो खट्टे फल अथवा कम मीठे फल थोड़ी मात्रा में ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सात्विक संतुलित आहार लें और रोज़ योगाभ्यास करें। हो सके तो खीरा करेला टमाटर का जूस पी लें, और फलों में जामुन बहुत अच्छा होता है, और जड़ी बूटियों में गिलोय अमृता, वो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। डायबिटीज़ के साथ साथ डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को भी दूर करती है। तो सबसे पहले हम डायबिटीज़ के लिए प्राणायाम का अभ्यास बताते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग 5 मिनट की करना। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 से 1000 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं, डीप ब्रीदिंग में 5 से 10000 ऑक्सीजन का हम इंटेक कर लेते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में रेड ब्लड सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के पूरी बॉडी में जाती है, और बॉडी के एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज एंटर करते हैं और उसी से एनर्जी बनती है। जितना आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल हाई होगा उतनी ही आपके भीतर की ग्लूकोज बर्न होगी। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म मैंने आपको कहा भस्त्रिका के द्वारा। ये 5 मिनट करने का कपालभाति। आप दिन भर भी ऐसे लंबे सांस ले सकते हैं, अभ्यास बनाएं। जो भी डायबिटीज़ के रोगी हैं, खास करके कैंसर के रोगी हैं, उनको लंबे सांसों का अभ्यास करना चाहिए दिन भर भी। कपालभाति प्राणायाम। डायबिटीज होती क्यों है? पेनक्रियास के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं। जितना इंसुलिन बनना चाहिए पेनक्रियास की तरह नहीं बन पाता, अथवा बनता भी है तो पूरी तरह से निकल नहीं पाता। निकल भी जाता है तो पेनक्रियास के वीक होने के साथ साथ हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स भी वीक हो जाते हैं। तो हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स जो एक एक सेल के ऊपर होते हैं, वो वीक होने से जब उनके पास से ऑक्सीजन और ग्लूकोज गुजरता है तो वो उनका मुंह नहीं खुल पाता है। यदि रिसेप्टर्स एक एक सेल के अच्छे होंगे तो उनके पास से जैसे ही ऑक्सीजन और ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से गुजरेगा, क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वो ग्लूकोज को भी ढोता है। जो भी हम पेट में खाना लेते हैं वो उसका जो ग्लूकोज वाला पार्ट है वो भी ब्लड में घुल जाता है, और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ये भी जो है जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इस ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन। वो जिस जिस सेल के पास जाता है उस सेल का मुंह खोलना चाहिए और उसके अंदर एंटर करना चाहिए। तो वो ग्लूकोज और जो है यदि ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर नहीं करेंगे तो एनर्जी भी आपकी कम होगी और डायबिटीज़ भी आपकी अनियंत्रित रहेगी। खैर, तो जो है भस्त्रिका में और अनुलोम विलोम में तो हम ऑक्सीजन को ज़्यादा अंदर एंटर करवाते, और कपालभाति से पेनक्रियाज को एक्सरसाइज देके उसके बीटा सेल्स जो डीजनरेट हो चुके उसको रीजनरेट करते हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि डीजनरेट हुए सेल्स रीजनरेट नहीं हो सकते, और जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि हमने योगाभ्यास करके इन दोनों ही भ्रांतियों को निर्मूल किया है। योगाभ्यास से डीजनरेट हुए सेल्स, चाहे वो पेनक्रियाज के हों या बॉडी के ब्लड के हों, बोन्स के हों, ब्रेन के हों, आइज के हों, हार्ट के हों, लंग के हों, थायराइड के हों, डीजनरेट हुए सेल्स रीजनरेट होते हैं, और जेनेटिक डिसऑर्डर से भी हम आदमी को बचाते हैं, और जेनेटिक डिजीज होने के बाद भी उनको मिटाते हैं। तो जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी हम अच्छा करते हैं, और भी बहुत से लाभ हैं क्योंकि सुप्त शक्तियों का जागरण करते हैं। 1 से 5% हम अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग कर पाते हैं। 95 से 99% जो हमारे सुप्त शक्ति होती है योग से उनका भी जागरण होता है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया या कमजोरी विशेष है डायबिटीज के रोगियों को, तो उनको धीरे धीरे करना चाहिए। तो 40 से 60 स्टॉक्स कपालभाति के, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो 100 से 120 स्टॉक्स भी लगा सकते हैं और बलपूर्वक कर सकते हैं। सामान्यतः मध्यम गति से ही कपालभाति करना चाहिए, ये तीव्र गति है।
ये मध्यम गति है। जिनको बहुत सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा है, तो वो धीमी गति से कपालभाति करें। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही प्रकार के डायबिटीज के रोगियों के लिए प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। कपालभाति 15 से 20 मिनट, और मैंने देखा जिन लोगों ने आधा आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम किया तो वो तो डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य जैसा लगता है, लेकिन ऐसा भी हुआ है। जो हमने देखा है वही हम कहते हैं। हमने कभी भी जो बात विज्ञान के विरुद्ध है, अनुभव के विरुद्ध है, उसको कभी नहीं कहा। हमने वही कहा जो चीज़ साइंटिफिक है और जिसका हमने एक्सपीरियंस किया है। खैर, कपालभाति के बाद जो समर्थ हो आप करने में, तो अग्निसार या नौली क्रिया कर सकते हैं, ये भी अच्छी होती है वैसे तो डायबिटीज़ के लिए। जो करना चाहें या कर पाएँ वे कर लें। सांस को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींच लिया, छोड़ा। नौली क्रिया थोड़ी कठिन होती है। यदि कोई कर पाए तो भस्त्रिका कपालभाति के बाद अग्निसार नौली क्रिया अथवा बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं और तीन बंध लगाते हैं। थोड़े को कंठकूप में लगाना जालंधर बंध, पेट को पीठ से लगाना उटियान बंध, और नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखने मूल बंध कहलाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम, और महर्षि पतंजलि ने सबसे पहला प्राणायाम यही बताया है। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्र देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म कह करके महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहला प्राणायाम ये बाह्य प्राणायाम ही कहा है। तीन पाँच सात ग्यारह बार तक इसको कर सकते हैं। भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम मैंने एक्स्ट्रा में बताया है, क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते हैं। जो कर सकते हो कर लेना बाह्य प्राणायाम अग्निसार नौली क्रिया, नहीं तो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी और उद्गीत, ये पांच प्राणायाम तो सभी डायबिटीज के पेशेंट कर सकते हैं। आइए अब आपको अनुलोम विलोम बताते हैं। वायु मुद्रा में हाथ रखते हैं, बायनाक से श्वास अंदर भरते हैं और दाएं से छोड़ देते हैं। अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट अवश्य करना चाहिए डायबिटीज के रोगियों को। फिर इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम 3 5 7 11 बार तक कर सकते हैं। पहले उंगली माथे पर,
शेष तीन अंगुलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से ऐसे 3 से 5 बार कम से कम भ्रम भी करना चाहिए। आज अच्छा क्रम में मन को टिकाते हैं, ओंकार का नाद करते हैं तो मन सहज हो जाता है। तनाव को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भ्रामरी प्राणायाम। ओ ये उद्गीत प्राणायाम है, ये भी 3, 5, 7, 11 बार तक कर सकते हैं। डायबिटीज और डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं अथवा डायबिटीज के जो रीजन कारण है उनके निवारण में भ्रामरी उद्गीत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राणायाम के बाद आसन की बारी आती है। आसनों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण आसन है मंडूक आसन। एड़ी बाहर पंजा अंदर, पहले दाहिने पैर को मोड़ा फिर बाएं पैर को मोड़ दिया। और इस आसन को वे ना करें जिनको घुटनों में ज़्यादा दर्द होता है, घुटनों में अधिक दर्द है, अर्थराइटिस है, तो सुखासन में बैठ के इस आसन को कर सकते हैं। सुखासन माने ऐसे ही बैठ करके और फिर जैसे हम बताएं उस तरह से कर लें। मंडूकासन के लिए मुठ्ठी अंदर मुझे ऊपर मुठ्ठियाँ बंद, नाभि के दोनों ओर मुठ्ठियाँ लगा लेते हैं, श्वास को एक बार भरेंगे फिर बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देंगे और आगे जो करके थोड़ी देर रुकेंगे। आसनों को आंखें खोल के भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। श्वास को आप बाहर छोड़ के बाहर भी रोक सकते हैं, इससे अधिक लाभ होता है। आगे झुकने के बाद श्वास की गति सामान्य भी रख सकते हैं, आधा एक मिनट से लेकर के इस स्थिति में 2 मिनट तक रोक सकते हैं। जितनी अधिक देर तक रुकेंगे उतना ही अधिक लाभ। इससे पिंक्रियाज को साइंटिफिक एक्सरसाइज मिलती है। जब आगे झुकते हैं तो पिंक्रियाज के ऊपर पूरा दबाव पड़ता है, उसमें एक आकुंचन प्रसारण होता है और उससे उसकी अंतःक्रिया ठीक होती है और डीजनरेटिव पिंक्रियाज के भीतर सेल्स इससे रीजनरेट होते हैं। ये स्थिति है, 3 से 5 बार इसे करना चाहिए। बाया हाथ नीचे दें उसके ऊपर, ये दूसरा अभ्यास है मंडूकासन का ही। मंडूकासन के इस दूसरे अभ्यास को भी 3 से 5 बार कर सकते हैं। मंडूकासन के बाद शशक आसन करेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, श्वास अंदर भरते और श्वास बाहर छोड़ के अब आगे झुक जाते हैं, फिर यह कोणीय मात्र जमीन पर थोड़ी देर इस स्थिति में। ऐसे एक एक आसन को 2, 3, 5, 7, 11 बार तक कर सकते हैं।
डायबिटीज के लिए। अगला अभ्यास है योग मुद्रासन का। जिनका शरीर हल्का होगा वे कर पाएंगे, जिनसे ना हो पाए वो खाली मंडूकासन ही कर लेंगे। बाया हाथ के थ्रू नाभि के ऊपर दाया हाथ प्रयत्न करते हैं कि थोड़ी जमीन पर लग जाए। ये योगा मुद्रासन भी पेनक्रियास की बीटा सेल्स को डीजनरेट करने में बड़ी मदद करता है। एक बार हाथ थोड़ा नीचे रखा, एक बार थोड़ा हाथ ऊपर रखा, हाथ बदल के भी कर सकते हैं इसे, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर बीच में, इस तरह से किसी भी पोजीशन में ऐसे किया जा सकता है। योग मुद्रासन अगला बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है वक्रासन। अर्धमत्स्येन्द्रासन सब कर नहीं पाते, इसलिए हम वक्रासन ही अधिक करवाते हैं, क्योंकि अर्धमत्स्येन्द्रासन होता है बाएं पैर को पहले मोड़ लेते हैं, दाहिने पैर को बाएं पैर के बाहर रख देते हैं। अब बाएं हाथ दाहिने पैर और छाती के बीच से डाला, उससे पंजे को पकड़ लिया और याद ऐसे घुमा दिया, ऐसे पूरे घूम जाते। ये होता है अर्धमत्स्येन्द्रासन। तीन प्यास एक्टिवेट करने के लिए, उसको एक्सरसाइज देने के लिए ये देखिए बहुत अच्छा आसन है। जिनका शरीर हल्का होता है बच्चे तो आराम से कर लेंगे, और जिनका शरीर हल्का है ये भी कर लेंगे। याद घूम करके आ जाता है जंघा से, थोड़ा कठिन है। इसका सरल विकल्प है वक्रासन, दाहिने पैर को मोड़ लेते हैं और बाएं हाथ पैर और छाती के बीच से डाला, ऐसे पकड़ लिया, क्रॉस करके बाएं हाथ से बाएं पैर की घुटने के बाहर की ओर से पैर को पकड़ा और ऐसे घूम गए, इससे पेट और पेनक्रियास में एक गति पैदा होती है, उससे अंदर शक्ति पैदा होती है, इसे पूरे घूम जाते, थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते, ऐसे दूसरी ओर से दूसरा अभ्यास को करते हैं। डायबिटीज का एक बहुत ही दर्दनाक कॉम्प्लिकेशन है फ्रोजन शॉल्ट। उसके लिए बहुत उपयोगी है बाएं पैर को पहले मोड़ लेते हैं, दाहिना पैर उसके ऊपर रख लेते हैं, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर लिया और दूसरा हाथ पीछे से लिया और इस तरह से पकड़ लेते हैं पीछे से। ये गोमुखासन होता है। इसको दोनों तरफ से करना होता है, पहले बाएं पैर मोड़ा था, दाहिना पैर मोड़ लेते हैं, दाहिना पैर मोड़ करके, और जो मोटे हैं तो ऐसे ही पैर मोड़ लेना, जो पतले हों तो उसके ऊपर ऐसे बैठ जाना अथवा ऐसे ही मोड़ते, दाहिना पैर मोड़ा बाएं पैर उसके ऊपर रखते हैं। तो जिसको जैसे करने में सुविधा हो उस तरह से करना, जो बाएं पैर ऊपर है उसको वैसे खींच के रखना। अब बाएं पैर ऊपर है तो बाएं हाथ ऊपर से लिया, दाएं हाथ पीछे से लिया और ऐसे पकड़ा। फ्रोजन शॉल्डर के लिए बहुत अच्छा है, पेनक्रियास के लिए, हर्निया के लिए, पेट के लिए, गैस्ट्रिक के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनके कंधे बहुत जाम हो जाते हैं तो थोड़ा ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं, कंधों पर हल्का व्यायाम है।
तो कम से कम 5 आसन 5 प्राणायाम डायबिटीज़ के रोगियों को अवश्य करना चाहिए। जितनी फिजिकल एक्टिविटी होगी उतना ही आपकी ग्लूकोज बर्न होगी, डायबिटीज नियंत्रित होगी। तो सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छा व्यायाम भी है फिजिकल फिटनेस के लिए। सभी चाहते हैं सभी की भुजाएं, सीना, जंघाएं, पूरा शरीर स्वस्थ सुंदर सुडोल आकर्षक हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए भी धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए डायबिटीज़ के रोगियों को, तेज़ी से नहीं, एक श्वास में एक अभ्यास। पीछे जाएंगे श्वास अंदर, आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर होगा। दस बीस बार से लेकर के 25-50 बार भी मैंने देखा बहुत से भाई बहन ये सूर्य नमस्कार करते हैं। योगी जॉगिंग भी कर सकते हैं, उससे भी पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। सर्वांगीण व्यायाम से ही हमारा सर्वांगीण स्वास्थ्य अच्छा होता है। संतुलित और संपूर्ण आहार, संतुलित और संपूर्ण योगाभ्यास, यह हमारे आरोग्य के लिए और हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जीवन में सफलता, सुख, शांति, संतुष्टि, समृद्धि, सुंदरता और स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छे उपाय हैं। ये दूसरा अभ्यास हो गया, फिर ये तीसरा अभ्यास योगी जोगी का, इसको फास्ट भी कर सकते हैं। और ये चौथा ये पांचवा अभ्यास, आधा तो सब कर पाएंगे, जो यंगस्टर्स हैं वो पूरे ऐसे बैठ भी जाएंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ अभ्यास करने चाहिए, ये छठा अभ्यास है योगी योगी का। अभ्यास फिर क्रॉस करके पैर को छूना, फिर पीछे और आगे पूरा झुकना। एक एक अभ्यास को ऐसे 5-5, 10-10 बार कर सकते हैं। फिर ये ग्यारहवां अभ्यास, और दोनों हाथ सामने, जिधर हाथ होंगे उधर ही कुल्ले और दूसरी तरफ में पैरों के पंजे, इस तरह से अभ्यास होता है। ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, पूरे देह का संतुलन होता है, पूरे शरीर का इसमें पूरा व्यायाम भी फास्ट कर सकते हैं जो यंगस्टर्स है वो। खैर ये आपको हमने बताया डायबिटीज के लिए योग, योगाभ्यास कीजिए और मधुमेह को पूरी तरह से नियंत्रित करके हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस
पीसफुल डिवाइन लाइफ जीने।